ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। नमस्कार श्रोताओं, इस समय देश में कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्यों में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 23,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसलिए जरूरत है हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की और सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की। देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,80,000 से ज्यादा लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना से बचाव में इस टीकाकरण की बहुत अहम भूमिका है, इसलिए कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोविड-19 पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं जीएस मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत का इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है और मेडिकल एकेडमिक्स और पेशेंट ट्रीटमेंट में आपका एक लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर हेमंत, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार सिद्धार्थ। श्रोतों, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर हेमंत से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-1157-567 और 01-233-1444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर हेमंत, इस समय देश के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में नागपुर में लॉकडाउन लगाया गया है। मुंबई और ठाणे भी मामले की जो संख्या है वहां पे वो तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली में भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आप इसका क्या कारण मानते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ। ये कोरोना की जो महामारी चालू हो गई है उसे लगभग एक साल यानी 365 दिन के ऊपर हो गए हैं और इस महामारी का अटैक इतना जोर से हो रहा है कि हम दूसरी लहर में जा चुके हैं। पहली लहर जो लगभग 8 से 10 महीने चल रही थी, कुछ दिन पहले काफी खामोशी से चल रहा था सब जी, लेकिन ये जब से सेकेंड लहर आ गई है, दूसरी लहर इतनी तेजी से आ रही है कि इस सेकेंड वेव जो होती है वो कभी कभी पहली वेव से भी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। और इस दूसरी लहर में काफी क्रिटिकल पेशेंट्स भी आते हैं, काफी एसिम्प्टोमैटिक पेशेंट्स भी आते हैं और कोई माइल्ड सिम्टम्स के साथ भी ये मरीज आ सकते हैं। पिछले एक साल से ये जो वायरस पूरी हमारी दुनिया ही समझो जी, दुनिया के लोगों पर जो अटैक कर रही है वायरस, वो काफी म्यूटेट होते रहती है और एक साल में काफी म्यूटेशन भी अपने को देखने को मिल गए हैं इनके। और वायरस ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं है, अटैक जोर से करती है, म्यूटेशन करती है और वैक्सीन बनाने के लिए काफी समय निकल जाता है। अभी दिल्ली में या हो महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में इसकी संक्रमण इतनी जोर से हो गई है कि हमें कभी कभी ऐसा सोचने पड़ता है कि सेकेंड लॉकडाउन होने की संभावना बढ़ जाती है जी। और डॉक्टर हेमंत, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन इसमें क्या कुछ नए वेरिएंट भी इस वायरस के सामने आ रहे हैं? जैसे कि आपने म्यूटेशन की बात की है, तो ये जो नए मामले आ रहे हैं क्या ये वही वायरस है या इसका कुछ नए वेरिएंट्स या म्यूटेंट सामने आ रहे हैं हमारे? अभी ये जो कोविड की महामारी आ गई है या सेकेंड वेव दूसरी लहर आ चुकी है, तो हम जब इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं जी, तो तभी पता चलता है कि ये जो इंक्रीज हो रही है कोविड की महामारी में या ये जो नंबर्स मरीजों में बढ़ते हुए दिखते हैं,
वो म्यूटेशन की वजह से नहीं है या पहले म्यूटेशन होने के पहले की वायरस है, ये पता चलना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन वायरस ऐसी चीज है जो म्यूटेट होते रहेगी जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर हेमंत, जैसा कि आपने कहा कि ये जो साल भर लंबा सफर रहा है, हमारे देश ने जिस तरीके से कोविड का मैनेजमेंट किया है और हम काफी कुछ इस जंग को जीतने की कगार पर हैं, ऐसे में अगर हम थोड़ी सी लापरवाही करते हैं या हम जो भी इसके लिए दिशा निर्देश है उसका पालन नहीं करते हैं तो वहां पे हमको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ये कम हुआ है तो तेजी भी बहुत जल्दी से इसका फैलाव भी हो सकता है। बिल्कुल, इसका फैलाव इस महामारी का काफी तेजी से बढ़ते रहता है। इस तेजी से बढ़ने वाली जो महामारी है उसे रोकने का एक ही उपाय होता है, और वो उपाय यही होता है कि हम ये चेन ब्रेक कर सकते तो सबसे अच्छा होगा। इस चेन को ब्रेक करने के लिए हमें तीन बिल्कुल एकदम इजी फैसिलिटी जैसी होती है, वो तो मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना और हाथ को सैनिटाइज करना। इस महामारी का कारण सिर्फ ट्रांसमिशन है। अगर वायरस एक दूसरे से ट्रांसमिट होते रहेगी, हमारी इम्यूनिटी कम रहती है और इस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए टीकाकरण बहुत ही जरूरी हो गया है। हम जितने जल्द पूरी जनता को अगर हम टीकाकरण कर सकते हैं तो बिल्कुल हम इस महामारी पर बिल्कुल जीत सकते हैं जी। और डॉक्टर हेमंत, जहां पर ज्यादातर लोग इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर खासा उत्साहित हैं, वहीं एक तबका ऐसा भी है जिनमें वैक्सीन हेजिटेंसी है। आप वो लोग जो दुविधा या असमंजस की स्थिति में हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब ये जो टीकाकरण चालू हुआ है वो सेकेंड फेज थर्ड फेज में आ गया है, यानी फर्स्ट फेज में हम हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका दे रहे थे। अब हेल्थ केयर वर्कर्स की सेकेंड डोज यानी सेकेंड खुराक भी होने को आई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स अभी फर्स्ट डोज फर्स्ट मात्रा हो चुकी है। अभी ये जो एंटीबॉडी बनाने की हम जो कोशिश करते हैं टीकाकरण के बाद, उस दूसरी मात्रा के 14 दिनों के बाद ही एंटीबॉडी बननी शुरू होती है। पहली डोज जैसे ही दिया जाता है उसके बाद शरीर में सेंसिटाइजेशन हो जाता है और प्रतिरोधक बनना शुरू हो जाता है। ऐसे में हम यही कोशिश करेंगे कि सेकेंड और थर्ड फेज जाकर हम पूरी 70 तक के जनता को वैक्सीनेट करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम इस महामारी पर बिल्कुल जीत हासिल करेंगे जी। और इस बीच बहुत सारे श्रोता हैं जो अपने सवाल के साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, और सबसे पहले हमारे पास आज के जो फर्स्ट कॉलर हैं वो दिल्ली से अशोक जी हैं। अशोक जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते जी। मैं ये कह रहा था कि जैसे इसमें वैक्सीन की कोई कमी तो है नहीं हमारे देश में जी। वैक्सीन जो है अब उसमें रखे इन्होंने आयु वर्ग, तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था कि हर प्राइवेट सेंटरों पे हर आयु वर्ग के लोगों को लग जाने चाहिए। सरकारी सेंटरों पर भीड़ लग सकती है, इन्होंने 60 वर्ष से 45 वर्ष जो आयु वर्ग जोड़ा है वो खत्म कर देना चाहिए। अब तो हर आदमी को लग जाने चाहिए, प्राइवेट सेंटरों पर भीड़ भी नहीं होगी, पैसों की लगेगी जी। डॉक्टर हेमंत ये कह रहे हैं कि जैसा कि सरकार ने फेज वाइज वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाया है, तो ये जानना चाहते हैं कि सबके लिए क्यों वैक्सीन ओपन नहीं है, हर व्यक्ति क्यों नहीं लगवा सकता? सही पूछा आपने जवाब दिए। ये जो टीकाकरण की मुहिम जो भारत सरकार ने ली है उसका मतलब हम पहले इसकी ट्रायल कर चुके हैं। हमारे भारत देश में सिर्फ दो वैक्सीन ऐसी है जो यहाँ लोकली बनती है। मैंने पहले भी कहा था कि इंडिया इज दी फार्मेसी ऑफ दी वर्ल्ड, हम पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन मैन्युफैक्चर करते हैं भारत देश में। यदि हम इनकी
जो वैक्सीन की ट्रायल होती है, तभी वैक्सीन की ट्रायल में जो लाभार्थी थे वो सब 18 साल के ऊपर के उम्र के लाभार्थी थे। अब 18 साल के ऊपर जो होते हैं उनमें कोविड ज्यादा दिखाई देता है, 18 साल के नीचे कोविड की महामारी काफी कम मरीजों में दिखती है। इसीलिए जिनमें भी कोमॉर्बिडिटी होती है उनमें प्रतिकार शक्ति कोविड के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल कम रहती है, इसीलिए हम उन्हीं लोगों को टीकाकरण करने की पहले कोशिश करेंगे कि जो बूढ़े हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो 60 साल के उम्र के ऊपर लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी कम होने की संभावना है उन्हीं को हम टीकाकरण करेंगे। जी, और अब हम रुख करते हैं दिल्ली के बाद बिहार में अररिया का, जहां से इरफान जी हमारे साथ हैं। जी इरफान जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, डॉक्टर साहब भी आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, मैं ये जानना चाह रहा है कि जिस तरह वैक्सीन निकलने की वजह से अभी हम मास्क वगैरह नहीं लगा रहे और लापरवाही बरत रहे हैं, तो इस बारे में जो है डॉक्टर रामा साहब क्या हमें सुझाव देंगे? जी डॉक्टर हेमंत, इन्होंने चिंता जताई है कि वैक्सीनेशन तो हो रहा है लेकिन लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, और जिसके बारे में आपने पहले भी बताया कि जिसकी वजह से इसके दूसरे परिणाम आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, अभी ये लापरवाही काफी महंगी पड़ सकती है। हम प्रतिदिन 1 लाख बुजुर्गों को टीका लगाने का लक्ष्य रखते हैं। बम्बई शहर में 36,000 बुजुर्गों को टीकाकरण करते हैं रोज के दिन। हम टीकाकरण इसलिए करते हैं कि इन मरीजों में या इन लाभार्थियों में प्रतिरोधक शक्ति बनी रहे। अगर प्रतिरोधक शक्ति बनती है तो हमारी बॉडी, हमारा शरीर कोविड के अगेंस्ट फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। टीकाकरण के बाद किसी को कोविड होने की संभावना तो वैसे ही रहती है, लेकिन अगर कोविड हो जाता है, कोविड की संक्रमण हो जाती है, तो हमारी शरीर की शक्ति इतनी ताकतवान हो जाती है कि हमें पहले से ही पता लगता है कि अभी कोविड का आक्रमण हो रहा है, तो हमारी बॉडी बिल्कुल तैयार हो जाती है कोविड को फाइट करने के लिए। इसलिए अगर फिर भी अगर आप टीकाकरण करते हो तो ये जो बेसिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं, मास्क पहनना, हाथ धोना और काफी सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इससे हमें बिल्कुल छुटकारा नहीं मिलने वाला है। टीकाकरण के बाद भी कोविड हो सकता है लेकिन सीरियस डिजीज नहीं होगा। जी, जैसा कि डॉक्टर हेमंत बता रहे हैं कि आपके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या लाइफ को किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता अगर आपको दोबारा से कोविड हो भी गया। और इस बीच दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। ब्रह्मदत्त जी नमस्कार। सर जी प्रणाम। जी ब्रह्मदत्त जी। डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रणाम जी। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ जब टीकाकरण के दौरान व्यक्ति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो क्या उसको अस्पताल में दाखिला और उसका खर्चा, चिकित्सा खर्च वो खुद वहन करेगा या कोई और करेगा? जी डॉक्टर हेमंत, ये थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हालांकि जो भी टीकाकरण हुआ है तो आपका भी अनुभव रहा होगा कि इसमें इतनी कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं अगर किसी व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसे में क्या उसे हॉस्पिटलाइज किया जाएगा जहां पे भी टीकाकरण उनका हो रहा होगा? जब हम अस्पताल में टीकाकरण करते हैं हमारे इनिशियल फेज में जहां भी सुविधा उपलब्ध है टीकाकरण की वहां कम से कम 5 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर और एनेस्थेटिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट या इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन जो आईसीयू देखते हैं वो पूरी तैयारी में जागरूक रहते हैं। इसीलिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसे बिल्कुल समय पर ट्रीट करना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो कभी भी अगर किसी को
कॉम्प्लिकेशन हो जाए टीकाकरण के बाद तो उसका पूरा खर्चा अस्पताल उठाएगा। ये बिल्कुल मरीज के ऊपर नहीं निर्बंध है। हम अस्पताल या हरेक रीजन में जहां भी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, वो पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे आपके अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो। जी होता है तो। जी डॉक्टर हेमंत, ये आपने बड़ी बात कही है। और इस बीच हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने हमें ईमेल किया है, वो जानना चाहते हैं कि अगर किसी सीनियर सिटीजन की काफी लंबे समय से उनका अगर बीपी और शुगर की मेडिसिन चल रही है तो उन्हें क्या प्रिस्क्रिप्शन दिखाने के बाद ही वैक्सीन लेनी चाहिए या वो डायरेक्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के टीकाकरण केंद्र पर जाकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। अभी भारत सरकार ने कम से कम 15 से 20 कोमॉर्बिडिटीज की एक लिस्ट बनाई है। जो भी मरीज या लाभार्थी 45 और 59 साल के बीच में है और जिसे भी अगर कोमॉर्बिडिटीज है, जैसे कि आपने कहा डायबिटीज जो 10 साल से ज्यादा साल चल रहा है या ब्लड प्रेशर हो और उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो इन कोमॉर्बिडिटीज का एक सर्टिफिकेट होता है आपके जनरल प्रैक्टिशनर के साथ। जी वो अगर सर्टिफाई करता है तो हमें रजिस्ट्रेशन के टाइम ये सर्टिफिकेट जुड़ना काफी जरूरी हो जाता है। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो उसे टीकाकरण नहीं दिया जाएगा। जी लेकिन इन्होंने जैसा कि बुजुर्ग की बात की है, जो लोग बुजुर्गों का तो टीकाकरण चल रहा है, लेकिन अगर वो ऐसी दवाएं ले रहे हैं तो क्या टीकाकरण में उनको ये बताना होगा कि वो अभी ब्लड प्रेशर की और ब्लड शुगर के लिए कौन सी दवाएं ले रहे हैं? आपने सही कहा कि मेरी राय में अगर आप बुजुर्ग हो यानी सीनियर सिटीजन हो या 60 साल के ऊपर हो और आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज या ब्लड थिनर्स की दवाई चालू हो या और कोई भी दवाई चालू हो, अगर आप टीकाकरण केंद्र में बताते हो तो जो टीका देती है नर्स या कोई हेल्थ केयर वर्कर, तो उसे बातों बातों में बताना जरूरी होता है। लेकिन कोई भी मरीज कोई भी दवाई लेता हो तो टीकाकरण बिल्कुल सेफ होगा, उसे कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आप ये दवाई लेते हो तो आपको टीकाकरण नहीं मिलेगा। तो आप कोई भी दवाई लेते हो तो आप डॉक्टर जी से बता देना है कि आप ये दवाई ले रहे हो और डॉक्टर आपकी दवाई देखकर आपको टीका दे देगा। जी और जो श्रोता हमसे अभी अभी कार्यक्रम में जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। डॉक्टर हेमंत से आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच बलरामपुर से हमारे साथ कार्यक्रम में रिंकी तिवारी जी जुड़ गई हैं। रिंकी जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी स्वागत है रिंकी जी आपका कार्यक्रम में। जी डॉक्टर सर, मतलब डॉक्टर मैं सर कोई भी मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार। क्योंकि आज कमेंट्री आ रही है तो आपका प्रोग्राम हमारे प्राइमरी चैनल पे जो शॉर्ट मीटर उसके नहीं सुनाया जा रहा है, इसलिए हम क्षमा चाहेंगे। चलिए अब मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ सर। जैसे कि मेरा क्वेश्चन ये है कि सीनियर सिटीजन को वैक्सीन देने के बाद वो कितने दिन तक के लिए रेस्ट कर सकते हैं या उन्हें रेस्ट डॉक्टर कितने के लिए दिन के लिए बताएंगे? जी डॉक्टर हेमंत, बड़ा अहम सवाल रिंकी जी ने पूछा है कि अगर जो लोग सीनियर सिटीजन हैं तो क्या उनको वैक्सीन लेने के बाद रेस्ट या आराम की जरूरत है? अभी कोई भी सीनियर सिटीजन या कोई भी लाभार्थी जो 60 साल के ऊपर है और टीकाकरण कर लेते हैं तो इसमें कुछ नॉन सीरियस और माइल्डली सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें माइल्डली सीरियस यानी उनको सिर्फ आपको ध्यान देना है। जी इसमें ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं, लेकिन जो माइनर कॉम्प्लिकेशंस है जैसे कि हाथ में दर्द होना, जहां टीकाकरण होता है वहां रेड कलर होना और या
कभी आपको नौशिया यानी उल्टी जैसे सेंसेशन होना या थोड़ी हेडेक या बॉडी एक होना, आपके शरीर में थोड़ी कमजोरता आना, ये सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और इन माइल्ड सिम्टम्स को हम क्रोसिन या पैरासिटामोल टैबलेट से ट्रीट कर सकते हैं। थोड़ा आराम करना जरूरी हो जाता है, अगर एक दिन आप आराम करते हो तो सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन काफी बुजुर्ग वैक्सीन लेने के बाद भी नॉर्मल वर्क करते हैं। जी डॉक्टर हेमंत, और मुंबई में भी हमारे बड़े सारे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, वहां से सचिन जी ने हमें कॉल किया है। सचिन जी नमस्कार। हेलो सचिन जी। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। मैं पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका में कहा जा रहा है कि टीकाकरण के बाद आप बिना मास्क के रह सकते हैं, जबकि भारत में कह रहे हैं कि नहीं रह सकते, तो अमेरिका की वैक्सीन में भारत की वैक्सीन में क्या बेहतरी है? जी डॉक्टर हेमंत ये जानना चाह रहे हैं कि जो अमेरिका में वैक्सीन डेवलप हुई है वहां पर उसके बाद मास्क लगाने की जरूरत नहीं है एक बार वैक्सीनेट होने के बाद, लेकिन भारत में अभी भी मास्क वैक्सीन लगाने के बाद आपको मास्क लगाना पड़ेगा, तो पूछ रहे हैं क्या दोनों में कोई डिफरेंस है, इस वजह से ऐसा है? हर एक वैक्सीन में डिफरेंस सिर्फ कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। हर एक वैक्सीन का काम एक ही होता है कि प्रतिरोधक बनना शुरू होना चाहिए अपना शरीर, यानी एंटीबॉडीज अगर पैदा होते हैं तो हम कोविड की महामारी को फाइट करने की तैयारी कर देती है। हमारी शरीर में ऐसे एंटीबॉडीज होते हैं कि वो महामारी यानी वायरस जैसे भी अंदर आता है उसे पहचान लेता है। अमेरिका में जो वैक्सीन देते हैं और मास्क मत पहनो कहते हैं, ये कुछ वर्तमान पत्रों में आ गया है। इसका साइंटिफिक रीजन ऐसे होता है कि अगर काफी जनता, काफी मरीज, काफी लाभार्थी अगर वैक्सीनेट टीकाकरण के लाभार्थी हो जाते हैं तो हम एक प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। जी अगर हम एक प्रकार की हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं तो जो मास्क नहीं पहनते हैं तो एंटीबॉडी और इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है, लेकिन भारत देश में हम उस क्रिटिकल मास तक नहीं पहुंचे हैं जहां हम हर्ड इम्यूनिटी वैक्सीन के साथ डेवलप कर रहे हैं। थोड़े ही महीनों के बाद ऐसे भी होगा कि भारत में टीकाकरण होने के बाद भारत सरकार ये भी आपको बता सकती है कि आप मास्क पहनना बंद कर सकते हो। जी और अब हम रुक करते हैं दिल्ली का, जहां से प्रीतम कौर जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गई हैं। प्रीतम जी नमस्कार। हेलो प्रीतम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हल्की आ रही है। जी प्रीतम जी बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैं जानना चाहती हूँ, मेरे को 3 साल से हर्पीस बाजू में हुई थी जी। पहले तो बहुत सीवियर थी, अब थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन है अभी पेन उसकी। एक आंख के लेफ्ट साइड की आंख में तो बड़े मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं जी, तो उसके लिए क्या हर्पीज अभी ठीक नहीं हो रही है, इंजेक्शन मेरे को लगवाना चाहिए कि नहीं? उम्र है मेरी जी, कितनी उम्र बताई? हाँ जी जी, आपकी उम्र क्या है? समझ नहीं आई आपकी उम्र कितनी है प्रीतम जी? 73। 73 जी। डॉक्टर हेमंत 73 साल की उम्र बता रही हैं, हर्पीज है, आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है, तो ऐसे में इन्हें क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? अभी आप 73 साल की उम्र में आपको हर्पीज यानी इस ये जो बीमारी होती है उसमें हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसीलिए आपको जरूरी होगा कि आपकी उम्र इम्यूनिटी के हिसाब से कम है, तो आपको अगर कोविड होता है तो सीरियस हो सकती है आपकी तबीयत, तो आपको टीका करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको टीकाकरण के बाद आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे। आप कहीं भी सरकारी अस्पताल में जाकर आप टीकाकरण कर सकते हो जी, और जो डॉक्टर आपके रहेंगे उन्हें बता देना कि आपको हर्पीज हुई थी। ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि आपको हर्पीज है इसलिए आप टीकाकरण नहीं करना है जी। और हमारे एक कॉलर ने हमें ईमेल किया है
और जानना चाहे है इलाहाबाद से दीपक श्रीवास्तव जी ने कि वो किडनी डोनर रहे हैं और अगर वो वैक्सीन करवा लेते हैं, वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो इसके बाद उन्हें क्या सावधानी और परहेज करना होगा, कब तक? उनकी अभी तो किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है शायद जी, तो डोनर हैं जी, डोनर है जी, अगर वो डोनर होते हैं तो उनकी इम्यूनिटी बरकरार है कि अगर उम्र 60 के ऊपर है या 45 और 59-60 के बीच में है और उन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है जो शायद नहीं होगा इनको, तो अगर सीनियर सिटीजन है और अगर रीनल डोनर है जी तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल टीकाकरण कर सकते हैं सीनियर सिटीजन होने के नाते जी। और अब हम रुक करते हैं उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ का, जहां से दुर्गा प्रसाद जी जुड़ गए हैं जी। दुर्गा प्रसाद जी नमस्कार। हेलो हेलो जी, दुर्गा प्रसाद जी आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछ दुर्गा प्रसाद उपाध्याय बोल रहा हूँ सर जी, बताइए दुर्गा। आवाज कम आ रही है जी, सुनाई दे रही है जी? बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल सभी को। प्रश्न करूँ जी? प्रश्न कीजिए। आप लोगों को नमस्कार। प्रश्न मेरा ये है कि बुखार में वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, अगर आज कोई वैक्सीन देता है, टीका देता है जी, और 28 दिन के बाद उसको बुखार हो जाता है हफ्ता 10 दिन के लिए, तो दूसरी वैक्सीन वो कैसे लेगा, लेगा कि नहीं लेगा जी? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है डॉक्टर हेमंत इन्होंने। अगर पहला डोज ले चुके हैं और दूसरी डोज लेने के दौरान अगर किसी को बुखार आ जाता है 28 दिन के अंदर, तो उसे दूसरी डोज टीके की लेनी चाहिए या नहीं? अगर दुर्गा प्रसाद अगर पहला खुराक ले लेते हैं और 4 हफ्ते के बाद उनको बुखार आती है, तो इस बुखार क्यों आई है इसका निदान करना काफी जरूरी हो जाता है। अगर इस बीमारी के बाद या इस फीवर के बाद उन्हें और 2 हफ्ता मिल जाते हैं, तो दूसरा खुराक लेने के लिए हमारी पीरियड 4 वीक से लेके 6 हफ्ते तक कभी भी दूसरा खुराक ले सकते हैं जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर दूसरी खुराक वाले दिन नहीं जा पाता है, तो बाद में भी डॉक्टर साहब उसे वैक्सीन वो लगवा सकते हैं? बिल्कुल लगवा सकते हैं, 6 हफ्ते तक कभी भी लगवा सकते हैं जी। और श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, चलते चलते डॉक्टर हेमंत आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मेरा तो जाते जाते यही संदेश होगा कि हम प्रतिरोधक शक्ति बनाने के लिए हमें वैक्सीन लेनी काफी जरूरी है। हम एक खुराक नहीं, हम 2 खुराक लेंगे और हम इस कोविड के चेन को ब्रेक करने के लिए, ये जो ट्रांसमिशन की चेन है उसे ब्रेक करने के लिए हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमेशा इस्तेमाल करेंगे जी। और जो लोग वैक्सीन जिनका इस जो इस ग्रुप में आ रहे हैं, प्रायोरिटी ग्रुप में, वो वैक्सीन लेते रहें। डॉक्टर हेमंत, आप कोविड 19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर हेमंत देशमुख ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप बाहर निकलते समय मास्क लगाएं, हैंड हाइजीन के साथ सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, क्योंकि बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मुंबई में किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर हेमंत देशमुख। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।